Assalamualaikum मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खिलाइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से फर्क के नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली हैं। आज फिर मैं आपको ड्रामा से फर्क के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से फर्क के नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इर्सा और जमशेद के बारे में जब से पता चला है कमाल साहब बड़ी टेंशन में आ गए हैं, जिसके बाद कमाल साहब उसी जमशेद लड़के के पास जाएंगे और उसको धमकाएंगे और उसको यही कहेंगे कि इर्सा मेरी बीवी है और तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि मेरी बीवी से तुम रابطے में रहो या उसे उसके बारे में तुम इस तरह से ख्यालात रखो या रिलेशनशिप रखो, क्योंकि इर्सा मेरी बीवी है। तुम जानते हो कि इर्सा ने तुम्हारी उम्र के लड़के को छोड़ के मुझ जैसे आदमी से क्यों शादी की, क्योंकि मेरे पास पैसा है, दौलत है, जायदाद है और सब कुछ वो चाहती थी। अगर मैं चाहूँ सारे ज़राए अपने दौलत संभाल करके तुम्हें ऐसी जगह भिजवा दूँ जहाँ तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें नहीं ढूंढ सकते। ये सब कुछ सुन के जमशेद बहुत ज़्यादा परेशान सा हो जाता है, कमाल साहब का रवैया देख के बहुत ज़्यादा डर भी गया है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे, यानी इर्सा बानो के पास से आ रही होगी, उसके घर के पास से, तो कमाल साहब घर पे होंगे और जब इर्सा आएगी उसे यही कहेंगे कि इर्सा कहाँ से आ रही हो तुम। इर्सा बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी और परेशान होकर यही कहेगी कि बानो की तरफ गई थी, उसके घर से आ रही हूँ, जिसके बाद कमाल साहब यही कहेंगे कि बानो उसी इसका ही भाई है ना जमशेद वो लड़का। ये बात सुन के इर्सा बड़ी परेशान से हो जाएगी, कश्मकश में आ जाएगी। तो वहीं पर अब आइजल पे बैठी होती, आइजल को तो मौका मिल गया है, क्योंकि आइजल की सोच यही है कि इर्सा जब से इस घर में आई है इसने मेरे बाबा का प्यार भी मुझसे छीन लिया है और दूसरी तरफ मेरी मामा की जगह भी ले रही है और ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। इस इर्सा को तो मैं नाकाम करके ही रहूँगी। इर्सा बड़ी मुश्किल हालात में आ गई है, बड़ी कश्मकश पे आ गई है। दूसरी तरफ बानो को फ़ोन आता है इर्सा को, वो इर्सा से यही कहेगी कि इर्सा जमशेद भाई नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ चले गए, हम बड़ी टेंशन में आ गए हैं, तुम पूछो ज़रा कमाल साहब से, उन्होंने कुछ करवा तो नहीं दी हमारे भाई को। ये सब कुछ सुन के इर्सा एकदम टेंशन में आ जाएगी। और जबकि दूसरी तरफ यानी जमशेद की बहन और उसकी वालदा भाई टेंशन में आके इर्सा के वालिद के पास जाएंगे और यही कहेंगे कि अपने साहब को फ़ोन मिला है, हमारा बेटा नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चल गया है। इतनी मुश्किल सिचुएशन आ गई जिसके बाद इर्सा बड़ी परेशान होकर वापस आ जाती है। तो वहीं पर आइजल भी होती है, आइजल मुस्कुरा के देखते हुए उससे कहती है कि तुम जो चाहती हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, इस घर में तुम मेरी मामा की जगह नहीं ले सकती। ये सब कुछ सिचुएशन आ पड़ी है इर्सा पे, इर्सा बड़ी मुश्किल कश्मकश में आ गई है। नाज़रीन आपको ड्रामा से फर्क की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी किन तरह का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नहीं हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सबने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खिलाइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से फर्क के नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली हैं। आज फिर मैं आपको ड्रामा से फर्क के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से फर्क के नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इर्सा और जमशेद के बारे में जब से पता चला है कमाल साहब बड़ी टेंशन में आ गए हैं, जिसके बाद कमाल साहब उसी जमशेद लड़के के पास जाएंगे और उसको धमकाएंगे और उसको यही कहेंगे कि इर्सा मेरी बीवी है और तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि मेरी बीवी से तुम रابطے में रहो या उसे उसके बारे में तुम इस तरह से ख्यालात रखो या रिलेशनशिप रखो, क्योंकि इर्सा मेरी बीवी है। तुम जानते हो कि इर्सा ने तुम्हारी उम्र के लड़के को छोड़ के मुझ जैसे आदमी से क्यों शादी की, क्योंकि मेरे पास पैसा है, दौलत है, जायदाद है और सब कुछ वो चाहती थी। अगर मैं चाहूँ सारे ज़राए अपने दौलत संभाल करके तुम्हें ऐसी जगह भिजवा दूँ जहाँ तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें नहीं ढूंढ सकते। ये सब कुछ सुन के जमशेद बहुत ज़्यादा परेशान सा हो जाता है, कमाल साहब का रवैया देख के बहुत ज़्यादा डर भी गया है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे, यानी इर्सा बानो के पास से आ रही होगी, उसके घर के पास से, तो कमाल साहब घर पे होंगे और जब इर्सा आएगी उसे यही कहेंगे कि इर्सा कहाँ से आ रही हो तुम। इर्सा बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी और परेशान होकर यही कहेगी कि बानो की तरफ गई थी, उसके घर से आ रही हूँ, जिसके बाद कमाल साहब यही कहेंगे कि बानो उसी इसका ही भाई है ना
जमशेद वो लड़का ये बात सुनकर सब बड़ी परेशान से हो जाए, कश्मकश में आ जाएगी। तो वहीं पर अब आइजल पे बैठी होती, आइजल को तो मौका मिल गया है क्योंकि आइजल की सोच यही है कि ईर्षा जब से इस घर में आई है इसने मेरे बाबा का प्यार भी मुझसे छीन लिया है और दूसरी तरफ मेरी मामा की जगह भी ले रही है और ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। इस ईर्षा को तो मैं नाकाम करके ही रहूंगी। ईर्षा बड़ी मुश्किल हालात में आ गई है, बड़ी कश्मकश पे आ गई है। दूसरी तरफ बानो को फोन आता है ईर्षा को, वो ईर्षा से यही कहेगी कि ईर्षा जमशेद भाई नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ चले गए, हम बड़ी टेंशन में आ गए हैं, तुम पूछो जरा कमाल साहब से, उन्होंने कुछ करवा तो नहीं दिया हमारे भाई को। ये सब कुछ सुन के ईर्षा एकदम टेंशन में आ जाएगी। और जबकि दूसरी तरफ यानी जमशेद की बहन और उसकी वालदा भाई टेंशन में आके ईर्षा के वालिद के पास जाएंगे और यही कहेंगे कि अपने साहब को फ़ोन मिला है, हमारा बेटा नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चल गया है। इतनी मुश्किल सिचुएशन आ गई जिसके बाद ईर्षा बड़ी परेशान होकर वापस आ जाती है। तो वहीं पर आइजल भी होती है, आइजल मुस्कुरा के देखते हुए उससे कहती है कि तुम जो चाहती हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकते, इस घर में तुम मेरी मामा की जगह नहीं ले सकती। ये सब कुछ सिचुएशन आ पड़ी है ईर्षा पे, ईर्षा बड़ी मुश्किल कश्मकश में आ गई है। नाज़रीन आपको ड्रामा से फर्क नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सबने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खिलाइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से फ़र्क की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली हैं। आज फिर मैं आपको ड्रामा से फ़र्क की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से फ़र्क की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि ईर्षा और जमशेद के बारे में जब से पता चला है कमाल साहब को, कमाल साहब बड़ी टेंशन में आ गए हैं, जिसके बाद कमाल साहब उसी जमशेद लड़के के पास जाएंगे और उसको धमकाएंगे और उसको यही कहेंगे कि ईर्षा मेरी बीवी है और तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि मेरी बीवी से तुम रابطे में रहो या उसे उसके बारे में तुम इस तरह से ख्यालात रखो या रिलेशनशिप रखो, क्योंकि ईर्षा मेरी बीवी है। तुम जानते हो कि ईर्षा ने तुम्हारी उम्र के लड़के को छोड़ के मुझ जैसे आदमी से क्यों शादी की, क्योंकि मेरे पास पैसा है, दौलत है, जायदाद है और सब कुछ वो चाहती थी। अगर मैं चाहूँ सारे ज़राए अपने दौलत संभाल करके तुम्हें ऐसी जगह भिजवा दूँ जहाँ तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें नहीं ढूंढ सकते। ये सब कुछ सुन के जमशेद बहुत ज़्यादा परेशान सा हो जाता है, कमाल साहब का रवैया देख के बहुत ज़्यादा डर भी गया है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे यानी ईर्षा बानो के पास से आ रही होगी, उसके घर के पास से, तो कमाल साहब घर पे होंगे और जब ईर्षा आएगी उसे यही कहेंगे कि ईर्षा कहाँ से आ रही हो तुम। ईर्षा बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी और परेशान होकर यही कहेगी कि बानो की तरफ गई थी, उसके घर से आ रही हूँ, जिसके बाद कमाल साहब यही कहेंगे कि बानो उसी इसका ही भाई है ना जमशेद वो लड़का। ये बात सुन के ईर्षा बड़ी परेशान से हो जाएगी, कश्मकश में आ जाएगी। तो वहीं पर अब आइजल पे बैठी होती, आइजल को तो मौका मिल गया है क्योंकि आइजल की सोच यही है कि ईर्षा जब से इस घर में आई है इसने मेरे बाबा का प्यार भी मुझसे छीन लिया है और दूसरी तरफ मेरी मामा की जगह भी ले रही है और ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। इस ईर्षा को तो मैं नाकाम करके ही रहूँगी। ईर्षा बड़ी मुश्किल हालात में आ गई है, बड़ी कश्मकश पे आ गई है। दूसरी तरफ बानो को फ़ोन आता है ईर्षा को, वो ईर्षा से यही कहेगी कि ईर्षा जमशेद भाई नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ चले गए, हम बड़ी टेंशन में आ गए हैं, तुम पूछो जरा कमाल साहब से, उन्होंने कुछ करवा तो नहीं दिया हमारे भाई को। ये सब कुछ सुन के ईर्षा एकदम टेंशन में आ जाएगी। और जबकि दूसरी तरफ यानी जमशेद की बहन और उसकी वालदा भाई टेंशन में आके ईर्षा के वालिद के पास जाएंगे और यही कहेंगे कि अपने साहब को फ़ोन मिला है, हमारा बेटा नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चल गया है। इतनी मुश्किल सिचुएशन आ गई जिसके बाद ईर्षा बड़ी परेशान होकर वापस आ जाती है। तो वहीं पर आइजल भी होती, आइजल मुस्कुरा के देखते हुए उससे कहती है कि तुम जो चाहती हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकते, इस घर में तुम मेरी मामा की जगह नहीं ले सकती। ये सब कुछ सिचुएशन आ पड़ी है ईर्षा पे, ईर्षा बड़ी मुश्किल कश्मकश में आ गई है। नाज़रीन आपको ड्रामा से फ़र्क की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सबने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खिदाइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से फर्क के नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली हैं। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से फर्क के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से फर्क के नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इर्सा और जुनेद के यानी जमशेद के बारे में जब से पता चला है कमाल साहब बड़ी टेंशन में आ गए हैं, जिसके बाद कमाल साहब उसी जमशेद लड़के के पास जाएंगे और उसको धमकाएंगे और उसको यही कहेंगे कि इर्सा मेरी बीवी है और तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि मेरी बीवी से तुम रابطے में रहो या उसे उसके बारे में तुम इस तरह से ख्यालात रखो या रिलेशनशिप रखो, क्योंकि इर्सा मेरी बीवी है। तुम जानते हो कि इर्सा ने तुम्हारी उम्र के लड़के को छोड़ के मुझ जैसे आदमी से क्यों शादी की? क्योंकि मेरे पास पैसा है, दौलत है, जायदाद है और सब कुछ वो चाहती थी। अगर मैं चाहूँ सारे ज़राए अपनी दौलत संभाल करके तुम्हें ऐसी जगह भिजवा दूँ जहाँ तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें नहीं ढूंढ सकते। ये सब कुछ सुन के जमशेद बहुत ज़्यादा परेशान सा हो जाता है। कमाल साहब का रवैया देख के बहुत ज़्यादा डर भी गया है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे यानी इर्सा बानो के पास से आ रही होगी, उसके घर के पास से। तो कमाल साहब घर पे होंगे और जब इर्सा आएगी उसे यही कहेंगे कि इर्सा कहाँ से आ रही हो तुम। इर्सा बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी और परेशान होकर यही कहेगी कि बानो की तरफ गई थी, उसके घर से आ रही हूँ। जिसके बाद कमाल साहब यही कहेंगे कि बानो उसी इसका ही भाई है ना जमशेद वो लड़का। ये बात सुनकर इर्सा बड़ी परेशान से हो जाएगी, कश्मकश में आ जाएगी। तो वहीं पर अब आइजल पे बैठी होती, आइजल को तो मौका मिल गया है क्योंकि आइजल की सोच यही है कि इर्सा जब से इस घर में आई है इसने मेरे बाबा का प्यार भी मुझसे छीन लिया है और दूसरी तरफ मेरी मामा की जगह भी ले रही है और ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। इस इर्सा को तो मैं नाकाम करके ही रहूंगी। इर्सा बड़ी मुश्किल हालात में आ गई है, बड़ी कश्मकश पे आ गई है। दूसरी तरफ बानो को फ़ोन आता है इर्सा को, वो इर्सा से यही कहेगी कि इर्सा जमशेद भाई नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ चले गए, हम बड़ी टेंशन में आ गए हैं, तुम पूछो ज़रा कमाल साहब से, उन्होंने कुछ करवा तो नहीं दी हमारे भाई को। ये सब कुछ सुन के इर्सा एकदम टेंशन में आ जाएगी। और जबकि दूसरी तरफ यानी जमशेद की बहन और उसकी वालदा बड़ी टेंशन में आके इर्सा के वालिद के पास जाएंगे और यही कहेंगे कि अपने साहब को फ़ोन मिला है, हमारा बेटा नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चल गया है। इतनी मुश्किल सिचुएशन आ गई जिसके बाद इर्सा बड़ी परेशान होकर वापस आ जाती है। तो वहीं पर आइजल भी होती है, आइजल मुस्कुरा के देखते हुए उससे कहती है कि तुम जो चाहती हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, इस घर में तुम मेरी मामा की जगह नहीं ले सकती। ये सब कुछ सिचुएशन आ पड़ी है इर्सा पे, इर्सा बड़ी मुश्किल कश्मकश में आ गई है। नाज़रीन आपको ड्रामा से फर्क की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।